चाहो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके मैम, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीएससी लाइफ साइंसेज में। उसके बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया और मैं अभी फाइनल ईयर ऑफ लॉ में हूँ कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी। सो मैम, ये प्रिपरेशन वगैरह जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन से करना स्टार्ट किया, तो मैम प्रिपरेशन करते हैं तो समझ आता है कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो ये कैसे हुआ आपका? मैंने एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है जो सबको पढ़नी होती है पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत है, वो सारी की। उसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो वो मैं ऐड करती गई बिकॉज उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो पूछा गया है तो वो ऐड उसके साथ साथ ऐड होता गया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इंक्रीमेंटल पढ़ाई की है, पहले स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स और फिर बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके अकॉर्डिंग। ओके मैम, रैंक 4 आना अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है सिंगल डिजिट में, तो अभी कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ओवरवेल्म्ड हूं, बहुत खुश हूं। ओके, और ऑप्शनल और अटेम्प्ट कौन सा मैम आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मेरा जूलॉजी ऑप्शनल है। जूलॉजी जी। ओके मैम, जैसे आप लॉ कर रहे हो तो मे बी लॉ भी ऑप्शनल रख सकते थे आप। हां, बट मेरा पूरा नहीं हुआ था लॉ, मैं आई थिंक यू फिल द फॉर्म इन फरवरी, तो वो मैं शायद थर्ड वर्ड सेमेस्टर में थी तब, तो हां तो मेरा इतना लॉ की तैयारी इतनी थी नहीं थी। ओके मैम, आपने दो अटेम्प्ट जो दिए तो उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? फर्स्ट में तो मैं दोनों की मतलब जीएस में भी फेल थी, सीसैट में भी फेल थी, मतलब 72 मार्क्स आए थे, दैट वाज नॉट गुड। सेकंड अटेम्प्ट में मैं सीसैट में फेल थी, आई गॉट 63 मार्क्स, जीएस में आई गॉट 120। उसके बाद ये वाले अटेम्प्ट में यू ने बनू बाद में पता चला। मैम प्रीलिम्स में नॉर्मली जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए थे, तो इस बार आपने प्रीलिम्स में क्या किया था? मैं लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था कि अब मैंने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ आप सॉल्व करते रहो क्वेश्चन पेपर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना है वहाँ पे, आप उस नॉलेज को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, मैं रोज़ मतलब ट्राई करती थी कि एक पेपर सॉल्व कर लूँ, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, देखते ताकि आप उस माइंड सेट में हो जाओ। मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाए? जी 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 बिल्कुल। और मैम मेंस के लिए क्या किया आपने? मेंस के लिए भी मैंने पहले तो नोट्स इकट्ठा किए, बहुत सारे पढ़ाई की, मतलब मैंने कोचिंग की भी हेल्प ली, ड्यू बहुत मतलब आई बी वेरी ट्रांसपेरेंट, मैंने लिए हेल्प, मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाए सब उसके, और कॉन्स्टेंट रिविजन और टेस्ट मैंने लिखे रेगुलरली, तो ये किया मैंने। जैसे आंसर राइटिंग मैम आप लिखते थे, तो डेली कितने आंसर लिखे हैं एग्जाम के टाइम पे, मेंस के टाइम पे, या फिर प्रीलिम्स के पहले लिखे हो जब भी? आंसर राइटिंग का जर्नी ना बहुत इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे रोज़ दो आंसर लिखने, तीन आंसर लिखने, ऐसा नहीं। मैं पूरा टेस्ट, एक घंटे का टेस्ट, जैसे एक टॉपिक ख़त्म किया या फिर आधा सिलेबस ख़त्म किया है किसी सब्जेक्ट का, तो वो उस हिसाब से मैं वो टेस्ट दूंगी, चाहे उसमें 1 आवर का टेस्ट हो चाहे 2 आवर का टेस्ट हो, उस हिसाब से मैं डेली आंसर राइटिंग नहीं करती थी। अच्छा, आंसर राइटिंग करते हुए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, जैसे कि माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, ये सब? वो ऐड ऑन होते हैं, मतलब आप स्टार्टिंग जो करते हो आंसर लिखते वक्त, अगेन बहुत सब्जेक्टिव है, जैसे मेरा ऑप्शन जूलॉजी है तो मेरे डायग्राम कंपलसरी है उस चीज़ में, बट ऑन दी अदर हैंड नॉर्मल पेपर्स में अगर आप अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो तो ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन मैटर्स, जैसे GS3 में क्लाउड बर्स्ट का वो था, आप बना दो डायग्राम, इट डज गिव एन इम्प्रेशन कि वो अच्छा हुआ है, तो इट इज़ एन एडिशनल थिंग, बट फोर्स नहीं करना चाहिए अपने आप को कि उसमें आप बहुत टाइम ले रहे हो। मैम नॉर्मली टॉप रैंक आना या सिंगल डिजिट रैंक में रैंक आना हर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था ये सिंगल डिजिट? नहीं नहीं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड। ओके, और इसके लिए मैम आपको क्या लगता है कि आपने बाकी प्रीवियस टॉपर आप देखते होंगे जब उनके इंटरव्यूज या कुछ भी, तो आपको लगता होगा कुछ अलग करते होंगे, तो आपने कुछ ज़्यादा अलग किया था क्या? वन, मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं देखे हैं टॉपर्स के। दूसरा सेम चीज़ है, सिंपल जो प्रिंसिपल्स होते हैं पढ़ाई के, आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, आप टेस्ट दीजिए, और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये एग्ज़ाम, तो मतलब एक रैंक आना विल नॉट गिव मी एन अथॉरिटी कि आप इन जनरल सबको बताओ कि कैसे प्रिपेयर करना है, आई वुड से दैट। तो यू कीप डूइंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि डोंट लूज़ योर लाइवलीनेस इन द प्रोसेस, यू कीप इन्जॉइंग इट, धीरे धीरे है, एक ना एक दिन अच्छा रिजल्ट आएगा। राइट,
मैम घंटे की नॉर्मली जब बात होती है, कोई भी तैयारी करता है सिविल सर्विस की, तो आप कितने घंटे एवरेज पढ़ते थे? मैंने घंटे नहीं काउंट किए, ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं कभी भी मैं एक टारगेट सेट करती हूँ और वो चाहे अब चाहे 3 घंटे में हो जाए चाहे 4 घंटे, बिकॉज टाइम कम होने लगता है। आप स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत एक बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाता है, बट वो बुक तो पढ़नी है। तो वो एक टारगेट सेट कर लो, वो जितनी देर में पूरा हो जाए वो पढ़ लो, फिर आप अपना काम करो। जैसे कि आप डीयू से लॉबी कर रहे हैं तो उसके साथ क्या ये मैनेज करना आसान हुआ, क्योंकि मेरे भी सीनियर्स हैं? तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी लोगों को। इन जनरल ये थोड़ा सा रिस्की एक वो था कि मतलब आई वुड से आप पहले वे कर लो, बिकॉज ये बहुत लास्ट ईयर हैज़ बीन वेरी एग्जॉस्टिंग कोविड में, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस थी, इट वॉज एन ईजियर फॉर मी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना। तो वो जो स्टार्टिंग में आपको प्रिपेरेशन चाहिए बहुत टाइम देना होता है उसमें, तो वो आई हैड दैट लेवरेज कि मैं वो कर सकती हूँ। बट एक ऑफलाइन क्लासेस के साथ प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एट ऑल फॉर UPSC और फॉर एनी एग्जाम इन जनरल। आप पढ़ाई करो अच्छे से, वो मैं हमेशा मानती हूँ, दैट हेल्प्स। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप वो करो, बट एट द सेम टाइम आप प्रायोरिटाइज कर लो अपना डे, वही तो फिर आप बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो ये करना चाहिए। ओके मैम, जैसे 4 पेपर GS के होते हैं तो आपके फेवरेट कौन से थे टॉपिक्स या फिर पेपर बोल सकते हैं? पॉलिटी मुझे पसंद था, बिकॉज लॉ बैकग्राउंड हो गया है अब, और GS4। और जो बुक्स की बात करें तो वही सब स्टैंडर्ड बुक्स? जी स्टैंडर्ड बुक्स ही, कोई ऐसे नया नहीं पढ़ना होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या वो बुक कुछ नहीं पढ़ लेंगे, या वो दिक्कत क्या होती है, सेम बुक को 50 times पढ़ना या 10 times, मतलब 50 इज स्टिल एन एग्जैजरेशन, बट सेम चीज़ को बार बार पढ़ना वो चैलेंज है। इट्स नॉट कि वो बुक कितनी मोटी है, वो चैलेंज नहीं है, वो आप सेम चीज़ कितनी बार पढ़ सकते हो वो चैलेंज है। रिविजन तो कितने बार कर? जी एग्जैक्टली, वो अब तो मेरी कितनी बार करी होगी आपने? मैं काउंट नहीं है मेरे पास, मेरी बुक पूरी फट चुकी है वो। अब आप इमेजिन कर लो, पेज पलट के 50 टाइम्स कर ही लिया होगा। नहीं, मैं ऐसे नंबर नहीं दूंगी कि आप ऐसे वो कर लो, बट आई थिंक रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक मतलब अब हर किसी का वो परसेप्शन भी तो अलग होता है, जैसे आप किसी को 10 बार में वो चीज़ उस लेवल पे पहुंच जाएगा, एक थ्रेशोल्ड रीच करना होता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा था कि मैं मुझे ज्यादा पढ़ाई लगी थी। तो वो हर इंसान अपने हिसाब से कस्टमाइज करे कि आप इस लेवल पे पढ़ो कि आपसे इससे सवाल पूछा जाए तो आप गलत नहीं करोगे, वो लेवल पहुंचना है। राइट मैम। मैम एक और चीज, जैसे कि अभी आप फोरम में आए, तो फोरम से आपने क्या किया था? फोरम से मैंने काफ़ी कोर्सेज किए थे, मैंने करंट अफेयर्स के लिए मैं फोरम पे पूरी डिपेंडेंट थी, प्लस मैं एथिक्स प्लस क्लासेस भी मैंने मेंस के बाद फोरम से ले ली थी। ओके मैम। ओके, और इंटरव्यू में मैम आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इंटरव्यू के बाद आपको लग रहा था कि रैंक आएगा इतना अच्छा? इंटरव्यू में मैं बहुत कन्फ्यूज थी एक्चुअली, कि बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि बिकॉज बहुत ही अंडरवेलमिंग था वो, जिस तरह से बाहर मार्केट में एक होता है कि इंटरव्यू दे रहे हो एंड देन यू गो इन देयर, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। तो वो था, और एक दो प्यारे अच्छे सवाल थे, जैसे आप लाइफ चूज करोगे या लॉ चूज करोगे अपनी, बिकॉज ये सब अच्छे, और बाकी तो नॉर्मल जनरल सवाल बर्थ प्लेस से रिलेटेड एंड प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड सब। राइट मैम। और प्रीलिम्स जो अभी आने वाला है 4 to 5 days में, तो मैम उन स्टूडेंट्स को लेकर आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि प्रीलिम्स के पहले क्या करना चाहिए अगर वो इन 4 to 5 days में कुछ करें? रिवाइज करो, प्लीज़ रिवाइज करते रहो, बिल्कुल देर इज़ नो अमाउंट ऑफ रिविजन दैट इज़ इनफ, वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी आपका, एंड इट हेल्प। ऐसा नहीं होता, मतलब अभी भी हाथ नहीं गई, वो नहीं हुआ, इट्स लाइक यू नॉट लॉस्ट इट एंटायरली। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो, आप रिवाइज करते रहो, कुछ ऐप्स आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो इंस्टॉल करके आप वो करते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, पता है। बस एक दिन पहले मत करना इतनी, बट अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैम, नोट्स वगैरह आपने बनाए थे, नोट्स बनाए थे तो उनको कैसे रिवाइज करते थे? तो आप क्या करते हो, आप बहुत ब्रॉड सेट ऑफ नोट्स से स्टार्ट करते हो और फिर आप उसके सेमी नोट्स बनाते हो और छोटे नोट्स बनाते हो और छोटे, और फाइनली एक शीट बनती है वो। तो वो थ्रू आउट द ईयर बनती है, एक दिन का काम नहीं है। तो मैंने भी नोट्स बनाए, मैंने बहुत हेल्प ली टॉपर्स के नोट्स से जो वो अपलोड करते थे, उनकी केस स्टडीज, उनके आंसर शीट्स, मैंने आई वुड थैंक दी प्रीवियस सेट ऑफ टॉपर्स। तो मैंने बहुत ज़्यादा उनसे वो लिया है, हेल्प ली है, और मैं कोचिंग से भी हेल्प ली है। तो वो नोट्स बनाया, फिर उसके बाद रिवाइज करते वक्त
मैं हमेशा लिखती हूँ, बिकॉज मेरे एक टीचर बोलते थे कि रीडिंग विदाउट राइटिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो मैं हमेशा पढ़ते वक्त हमेशा ही लिखती हूँ. मेरे इनफैक्ट मेंस के बाद मेरे हाथ में तो छाले वर्क भी पड़े हुए थे. okay. ये हुआ था. तो आप पढ़िए, आप लिखिए और वो इस हिसाब से नोट लाइए. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर.